जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, जो सूर्य देव अभी मकर संक्रांति के दौरान 15 जनवरी से आज 13 फरवरी 2024 को सुबह 3:54 तक मकर राशि में विराजमान थे, अब वो सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे 14 मार्च 2024 तक के लिए। अब सूर्यदेव का ये जो राशि परिवर्तन है, मकर राशि से कुंभ राशि में आना, वो आप सभी व्यक्तियों के, चाहे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किस प्रकार से आपको शुभ और अशुभ फल प्रदान करेगा, उसकी चर्चा करने के लिए आज मैं गुरु रजनीश ऋषि, स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली पर उपस्थित हुआ हूं। और इससे पहले कि मैं ये कुंभ राशि में सूर्यदेव के विचरण का फल आपको सुनाऊं, उससे पहले आज जिन लोगों का, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या उनके जीवन का अन्य कोई महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी व्यक्तियों को मैं बाबा शनिदेव की तरफ से, जो इस शनिपीठ के पीठाधीश हैं, अपनी तरफ से एवं स्वामी राज ऋषि की तरफ से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा होती रहे। और उसके साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं, आपको आदेश देता हूं कि इस शनिपीठ के, जहां भगवान शनिदेव अपने दिव्य स्वरूप में हाथी पर बैठकर, पालती मारकर बैठकर विराजमान है, उस शनिपीठ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस समय भगवान सूर्यदेव विचरण करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय आसमान में ग्रहों की स्थिति का वर्णन आपको सुनाते हैं कि उस समय आसमान में कर्क राशि उदय हो रखी थी। केतु महाराज, केतु ग्रह जो एक छाया ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं, वो कन्या राशि में विराजमान थे तृतीय भाव में। और मंगल देवता, बुध देवता और शुक्र देवता, ये तीनों मकर राशि में विराजमान थे। और सूर्य देव और शनि देव दोनों ही कुंभ राशि में जाकर विराजमान हुए, पिता और पुत्र दोनों का ही यहाँ पर मिलन हुआ है। राहु महाराज और चंद्र देवता ये मीन राशि में जाकर विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में जाकर विराजमान हुए हैं। और यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह आपको अपने अपने शुभ और अशुभ फल आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से प्रदान कर रहे हैं। और ये फल आपके अपने कर्मों के फल होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल निश्चित रूप से मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे ही फल मिलेंगे, चाहे अभी मिलें चाहे बाद में मिलें। वैसे ना परमात्मा के यहाँ देर है ना अंधेर है, जब हमारे पाप या पुण्य का घड़ा भरता है तो छलकता अवश्य है। बात करता हूं मैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वालों, ये जो सूर्य और शनि देव जी का मिलन हो रहा है, ये मिलन हो रहा है सष्टम भाव में, बीमारी के भाव में। यहां पर सूर्य देव की वजह से आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको जॉइंट्स में पेन हो सकता है, जलने इत्यादि परेशानी हो सकती है, कहीं आग लगने से भय हो सकता है, या फिर शनि भगवान की जो अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, कोर्ट कचहरी में आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं,
तो बिना बात की परेशानी आपके गले पड़ सकती हैं। तो इस पीरियड में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, दुर्घटनाओं से और परेशानियों से बचने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरित्रार्थ कर दें। और अगर आपको बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान कर रही हैं, तो आप बिना किसी झिझक के हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर मुझसे, स्वामी राज ऋषि से पर्सनली मिल सकते हैं एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके। और यहां पर जो भगवान शनि देव हैं, जो अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, हाथी पर बैठे हुए हैं पालती मारकर, उस स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय हमसे जान सकते हैं, जो कि साल में एक बार या 3 साल में एक बार करने होते हैं। और अपने जीवन की में धीरे धीरे सभी प्रकार की सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त करते रह सकते हैं। अगर आपके लिए यहां आना मुमकिन ना हो, तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप वहीं से घर बैठे वीडियो कॉल बुक करके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं अपनी परेशानियों के बारे में। और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध कर प्राण प्रतिष्ठा जागृत करके तैयार होते हैं अंगूठी के रूप में, लॉकेट के रूप में, वो घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में क्यों ना रहते हो। तो देर मत कीजिए, इन नंबरों को सेव कीजिए और अगर आप परेशान हैं तो अभी वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जय शनिदेव। मैं अनिल शिंदे औरंगाबाद महाराष्ट्र से, मैं गुरु रजनीश ऋषि जी के यूट्यूब चैनल देखकर गुरु रजनीश ऋषि जी से संपर्क किया और मेरी परेशानी बताया और उन्होंने मुझे 43 दिन की नवग्रह शांति पूजा बताया। मैंने 43 दिन तक नवग्रह शांति पूजा किया, अब मेरी सब परेशानी दूर हो गई, मैं अभी खुश हूँ।